नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अभी शाम के 5 बजे हैं, मैं एक जगह महिला संगीत में जा रहा हूँ। यार इतनी शादियाँ हो रही हैं, आज 3 जगह जाना है। एक भतीजे की बारात थी, हेल्थ डाउन हो गया तो नहीं जा पाया, तो यहाँ जाना ज़रूरी है। महिला मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कन्यादान के लिए जाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक जगह दुनगुन जाना है, जहाँ भतीजे की शादी हुई थी संजय की, उसके दुनगुन के लिए जाना है। तो देखो क्या होता है, तो एक बार कन्यादान करके आते हैं। नीचे TRC जा रहा हूँ, लोहाघाट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये है सामने, यहाँ से आवाज़ आ रही है TRC। यहाँ पे महिला संगीत हो रहा है, तो यहाँ से है रास्ता, बढ़ते हैं आगे को। तो हम लोग पहुँच चुके हैं TRC लोहाघाट। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी शादी के लिए बुकिंग होती रहती है, तो ये महिलाएँ जा रही हैं। ये सामने जो लगा हुआ है प्रवेश द्वार, और ये हम भी अंदर चलते हैं और बधाई लेके आते हैं दुल्हन को, जो कि हमारे मामा जी की लड़की है, सिस्टर है मेरी। तो चलते हैं अंदर। ये ब्योली के बाजू मामा जी हमारे, गिरधर, एक्स आर्मी मैन। तो दरवाजे के पास ही बैठे हुए हैं कन्यादान वाले। यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिखवा देते हैं, फिर अंदर चलेंगे। कन्यादान कर दिया है, अब चलिए अंदर थोड़ा देख के आते हैं अंदर क्या चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी चेंजेस हो गई है TRC में, बिकॉज यहाँ शायद अभी रेनोवेट किया गया होगा हाल में ही। और ये बीच में जो, हाँ भी ये मैं जा रहा हूँ, ये हॉल ऑडिटोरियम टाइप में बना रखा है, तो ये पहले नहीं था, यहाँ पे ओपन स्पेस होता था। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ गई है दोस्तों यहाँ पे, कुछ साल पहले ऐसे नहीं था। दोस्तों दुल्हन को और मामी को बधाई देके मैं बाहर आ गया हूँ, कन्यादान भी हो चुका है। यहाँ देखिए साहब, TRC से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, सामने पहाड़ों का, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ये पहाड़ों की चोटियां। और यहाँ पे टेंट वाले खाना बना रहे हैं, शायद घरातियों के लिए बन रहा होगा, शाम के खाने की व्यवस्था होगी। अभी भी यहाँ छोले भटूरे तले जा रहे हैं, जो गाँव से आए होंगे काफी लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ स्टे कर रहे हैं शायद, तो शादी को निभाने के लिए आए होंगे। यहाँ रेनोवेशन का काम अभी भी चल ही रहा है शायद, धीरे धीरे करके रेनोवेट होता जा रहा है। न्यू लुक में TRC आपके सामने आएगा आगे आने वाले टाइम में, लग रहा है। तो गाइज मैं मिलके आ गया हूँ, बधाई दे आया उधर, कन्यादान भी हो गया। आज काफ़ी व्यस्तता है, नहीं तो यहाँ रुकता, दिन में ही आया था, एक स्वास्थ्य भी सही नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं भाई साहब के यहाँ, मैडम को जाना है दुनगुने के लिए। तो आप देखोगे दुनगुना हमारे पहाड़ों में क्या होता है, तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। शायद मैं नहीं जा रहा हूँ, वाइफ जाएंगी, तो देख पाते हैं क्या क्या रिकॉर्ड कर पाती हो। तो चलो वाइफ को लेके आता हूँ, फिर भाई के यहाँ मिलते हैं सीधा। 1 hour later दोस्तों सरप्राइजिंगली हम लोग पहुंच गए हैं मेहता जी के घर में। सामने मेहता जी हैं, इनके बेटे का भी अभी विवाह होने वाला है, आज मेहंदी का है कार्यक्रम, तो हम लोग यहाँ पे बधाई देने के लिए आए हैं। मैं तो भूल ही गया था, मैडम ने अभी याद दिलाया। तो मेरी जो दिल्ली में सिस्टर हैं, उन लोगों के रिलेशन वाले हैं ये लोग। यहाँ 3 दिन खाया, अब यहाँ की बारी है। यहाँ था हमारा रिसेप्शन, तो इन्हीं के बगल में है मेहता जी का मकान।
आज रात को तो मेहंदी का कार्यक्रम होगा, उसके लिए यहाँ पे तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये सामने मंच सज चुका है मेहंदी के लिए, इधर पे लगेगी मेहंदी। जो भी फोटो सेशन होता है, आजकल फोटो सेशन का जमाना है ना ज्यादातर, तो सज चुका है वो। नहीं तो मेहंदी हल्दी ये तो कहीं भी लग सकती है, बट ये आजकल दिखावा ज्यादा है। और ये है स्टेज जहाँ पे नाच गाना होगा। यहाँ जो मेरी दिल्ली वाली सिस्टर है, उनके ससुराल वाले हैं ये, तो यहाँ पे शादी है कल, आज मेहंदी है, तो यहाँ बधाई देने आया था। तो चलिए अब चलते हैं, रेनू को लेट हो जाएगी, 7 बजे ये लोग निकल रहे हैं हाथ गुनगुन के लिए, तो चलते हैं अब भैया के यहाँ। A few moments later. हमारे परिवार की महिलाएं सब तैयार हो चुकी हैं। इसमें पूरा जो एक सुहागन का श्रृंगार होता है वो सब करना पड़ता है। अब हमारे जो भतीजे की शादी हुई है, उनके ससुराल जाएंगी, वहाँ समधन से पहली बार मुलाकात होती है, जो ढोक वेट कहते हैं। उसके बाद ही एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तो किस प्रकार से परंपरा निभाई जाती है ये लोग थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। A few moments later. कुछ ही देरी में सभी लोग पहुंच गए समधन के घर। अब देखते हैं किस प्रकार से होती है इनकी मुलाकात। हालांकि आजकल जो हमारी ये पुरानी परंपरा है, इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं और निभाते भी हैं, बट हमारे भाई साहब काफी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो वर पक्ष के हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, देवरानी, जेठानियां, सभी लोग यहाँ पे आ रखी हैं अपने पूर्ण श्रृंगार में। उसके बाद में अभी यहाँ वधु पक्ष की तरफ से उनकी मम्मी का और उनकी जो देवरानी जेठानी होंगी उनका इंतजार हो रहा है। फिर ये लोग बीच में एक पर्दा करेंगे और उसके बाद में एक दूसरे को टीका लगाते हैं और एक दूसरे को दुआ सलाम करते हैं, जो ढोक कहा जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में। उसके बाद ही फिर पर्दा हटता है और फिर एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, अन्यथा ये प्रथा नहीं होने से फिर एक दूसरे का मुँह नहीं देखते हैं, बताते हैं। तो ऐसी कुछ प्रथा हमारी चली आ रही है प्राचीन काल से, तो अभी उसी का अनुसरण करते हुए तो आप भी देखिए। अरे एक समय में पूरा बना दो, मेरे को है मंदिर
तो दोस्तों इस प्रकार से वर और वधु पक्ष की जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी देवरानी जेठानियां, सभी एक दूसरे को टीका लगाती हैं, पिटिया लगाती हैं। उसके बाद में फिर इनका पर्दा हट जाता है और एक दूसरे को भेंट स्वरूप ये लोग उपहार देते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। उसके बाद में सभी ने लज्जित भोजन किया। तो बस यही था दोस्तों आज के ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।